पंचांग के अनुसार 19 सितंबर रविवार को भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। इसी तिथि को गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। गणेश चतुर्थी को गणेश उत्सव का आरंभ होता है। अनंत चतुर्दशी की तिथि को गणेश विसर्जन के साथ इस उत्सव का समापन होता है। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव पर घर घर स्थापित बप्पा का कल विसर्जन के साथ गणेश जी से अगले बरस जल्दी आ कहते हुए भक्तगणों ने हिंगाना के वीणा नदी के तट पर गणेश मूर्ति का विसर्जन किया। गणेश भक्तों ने नम आंखों से अपने विघ्नहर्ता को विदाई दी। हालांकि कोरोना के चलते सार्वजनिक गणेश पंडालों को सजाने की पाबंदी भी है, मगर बप्पा के भक्तों का उत्साह कम होता नजर नहीं आया। इस दौरान समाज सेवक विलास पराय ने कोरोना महामारी पूरी तरह से नष्ट हो जाए यह प्रार्थना की। हिंगना के PI बलिराम सिंह परदेसी ने कहा कि रायपुरा ग्राम पंचायत, हिंगना नगर पंचायत और हिंगना पुलिस स्टेशन की ओर से भक्तों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, साथ ही कोई भी हानि ना हो इसका भी पूरा ध्यान रखा गया। गणपति विसर्जन के बारे में अभी ग्राम पंचायत रायपुर और नगर पंचायत हिंगना और हिंगना पुलिस स्टेशन नासिक नागपुर ग्राम इस शहर तरफ की ओर से यहाँ पे विसर्जन के लिए बहुत ही अच्छा इंतजाम किया गया। सभी बैरिकेड्स लगाए गए और गणेश भक्तों को असुविधा न हो इसके लिए सभी बाहर की ओर पार्किंग करके और उसके बीच में कुछ टेबल लगाए, वहाँ पे आरती वगैरह करके बैरिकेडिंग के अंदर खाली 2 ही लोग जाएंगे गणपति के विसर्जन के लिए और अंदर की तरफ वहाँ पे स्वयं सेवक है वही मूर्ति का विसर्जन करेंगे। त्रास होता है आणि बीमारीचा खूप लोकांना हे होत आहे त्याच्या कारणाने, त्यामुळे की हे कोरोना महामारी या देशातूनच नाही पण या जगातून पूर्ण नाहीस व्हावी, संपन्न व्हावी हे सकाळ घातलेलं आहे। बस एवढंच बोलतो आणि गणपती बाप्पांना मी एवढीच विनंती करतो की या येणाऱ्या दिवसामध्ये आणि पुढच्या वर्षीपर्यंत हा कोरोना महामारीचा हा कीटकनाशक विषाणू हा पूर्ण नाहीसा व्हावा हेच माझी विनंती। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यावर्षी गणपती उत्सवात गणपतीची स्थापना झाली, त्यावेळेसच गणपतीला सांगण्यात आलं की जी ही यावर्षी 2000 पासून जी महामारी आलेली आहे ती कोरोना नावाने प्रसिद्ध झाली आहे आणि याच्यामध्ये चांगले खूप सारे जीव जाऊन का सर्व त्यांनी पूर्ण संसाराची नासाडी केली आहे। काही काही लोकांचे संसार उद्ध्वस्त झाले आहे। गणपती बाप्पाला जाताना माझा हाच एक विनंती आहे की ही जी महामारी आहे पुढच्या वर्षीपर्यंत ही इथंच थांबवावी आणि सर्वांना सुखी ठेवावं अशी माझी गणपतीला आग्रहाची विनंती आहे, असे मी अभिवादन गणपतीला करते। एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द सांगतो।